Before watching the video, please subscribe the channel. Press this subscribe red button. ये है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट. तो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करना है. इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से, क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम पहले इसको नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है. इसमें आपने ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सीखना है कि किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर किस स्टेज पे हम उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह सकते हैं. तो चलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x minus y is equal to 3. 3x is equal to 3 plus y. इस y को मैंने राइट साइड में लिया. x is equal to 3 plus y divided by 3. इस 3 को डिवाइड. ये निकला हमारा x का भी सब्स्टिट्यूट वैल्यू. तो इसको पुट इन इक्वेशन सेकंड. तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने, अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन ली तो यहाँ से वैल्यू निकाला, इसको आपने ज़रूर सेकंड इक्वेशन में डालना है, अपोजिट डालना है इक्वेशन. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का रूल है, आपने इसको याद रखना है. तो चलिए अब हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन सेकंड. सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. 9 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9. 3 प्लस वाई ये लिखा मैं इस x की जगह पर, यहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं. 3 3 ज़ार 9, ये बनेगा 3 3 ज़ार 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9. ये 9x नहीं है, ये 9 ही है. 3 इंटू 3 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9. ये 3y. अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये प्लस 3y और ये माइनस 3y कैंसल. यहाँ बचा 9 इज इक्वल टू 9. तो 9 को जब हम इधर लाएंगे तो ये बनेगा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू. तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वेरिएबल जो है, वेरिएबल खत्म हो रहा है, वैनिश हो रहा है. तो जब लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपका वेरिएबल खत्म हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू खत्म हो रहा है, वैनिश हो रहा है. तो इस स्टेज पे हम कह सकते हैं, हम कहते हैं, लिखते हैं इसको, देयरफॉर द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. इसका मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा. ये इसमें दो वेरिएबल्स है, इन दो वेरिएबल्स का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि इसका सॉल्यूशन जो होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है. क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका वेरिएबल जो है ये खत्म हो रहा है, ये वैल्यू नहीं दे रहा है हमें. तो ये आपने याद रखना है. जिस क्वेश्चन में भी आपको ऐसे आएगा कि वेरिएबल खत्म होता है, तो यू कैन राइट डाउन इजली दैट दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस.